તમે રોજ કેમ નથી આવતા માજી? રોજ કેમ નથી આવતા? નમો હરિહંતાણં, નમો સિદ્ધાણં, નમો આયરિયાણં, નમો અધ્યાયાણં, નમો સર્વસાર એસુ પંચ નમકારો સર્વ પાપણાસણ મંગલાણં ચ સવેસિ પરમ અવૈ મંગ જય જગજીવજોણી વિયાણો જગગુરુ જગાનંદો જગનાહ જગબંધ જય જગતિયા જય તુયાણ પ્રભુ તીર્થયરાણ પચ્છિમો જય જય ગુરલોગાણ જય મહકામહ સચ્ચિદાનંદ સંપૂર્ણ વિશ્વજ્ઞં વિશ્વપાવનં શંખેશ્વર પુરોત્તમ સં પાર્શ્વનાથં નમામ્યહં સર્વારિષ્ટ પ્રણશાય સર્વાદિષ્ટાર્થદાયિને સર્વલબ્ધિ નિધાન ગૌતમ સ્વામીને નમઃ શ્રી સુધર્મ સ્વામીને નમઃ અજ્ઞાન તે મિરાંધાનાં જ્ઞાનાંજન શલાકયાં નેત્રમુન્મીલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ આજે અનુભક્તિ લો અટે અટે એનો પહેલા બેટા અનુભક્તિ લો પાપ આત્મા મેં રહેતા નહીં હૈ, પાપ બહાર કી દુનિયા મેં, બહાર પ્રવૃત્તિ કરને મેં પાપ, અંદર આત્મા મેં સિર્ફ કર્મ કી પ્રકૃતિ રહે। અબ કર્મ કો ઉદય મેં હમે, અબ બહાર પાપ હૈ,
तो आत्मा ने भी अपनी तरफ से बाहर जो पाप की प्रवृत्ति है उसके लिए बाहरी साधन खड़े कर दिए थे। इधर जो है ये काया है, शरीर, ये बाहरी साधन हो गया। अब ये वचन जो है, भाषा बोलना, प्रवृत्ति करना बाहरी साधन है। अब इधर हमारे पास मन जो है, अब ये बाहरी साधन है। इधर आत्मा ने इंद्रियां बनाई है, ये बाहरी साधन है। अब ऐसी स्थिति के अंदर जो बाहर के साधन है उनको बाहर की तरफ से प्रवृत्त किया जाता है। मन है, वचन है, शरीर, काया है और इंद्रियां। अब ये सब किसके बने हैं? सिर्फ उद्गल परमाणु के बने हुए पिंड। अब मनोवर्गणा के पिंड में से मन बन गया, औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेके शरीर बन गया, भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु को लेकर के भाषा बोली जाएगी। शरीर का ही एक अंग जो है वो इंद्रियां बन गया। अब ये है जरूर कि अपने अपनी कर्म प्रकृति के अनुसार सबको शरीर, मन, इंद्रियां बनाना है। बनाना किसको है? आत्मा को ही बनाना है। क्यों बनाना है आत्मा को? नहीं बनाएगा तो बाहर के विषयों के साथ उसका व्यवहार संबंध कुछ भी नहीं। आत्मा खुद ही कर्म के अधीन है। अब बाहर जो भी वस्तु हो, जैसी भी कोई भी वस्तु हो, अब इसके लिए सबसे पहले अब बाहर का ये ज्ञान अंदर लाना है आत्मा में, तो इसके लिए इंद्रियां काम करेगी। अब हमारा तो कर्म का आवरण है। अब केवल ज्ञानी हो जाने के बाद तो कर्म ही नहीं रहे, कोई गाते ही कर्म चारों ही क्षय हो जाते। इसलिए महावीर स्वामी को आंख खोल के रात को चलने की देखने की जरूरत नहीं। अब उनका ज्ञान दर्शन कौन सा है? आत्म प्रत्यक्ष का ज्ञान दर्शन, डायरेक्ट आत्मा से। तो उनको फिर इंद्रियों की जरूरत नहीं। हमको डायरेक्ट आत्म प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए इंद्रियां कंपल्सरी। अभी हमारा जो है वो केवल ज्ञान बिल्कुल ऑफ, मन प्रयोग ज्ञान बिल्कुल बंद है, अवधि ज्ञान संपूर्ण बंद है। अब बचा क्या है? मध्य ज्ञान, श्रुत ज्ञान, दो। अब दो में से कितने परसेंटेज जीवों ने अपने कर्मों से उसको बंद करके रखा है? कितने परसेंटेज, कितने लोगों ने उसको खुला रखा है? सबका अपना अपना कर्म। अब इन दोनों ज्ञान दर्शन के अंदर का हिसाब आप देखेंगे कि यहाँ पर आत्मा के लिए ये ज्ञान दर्शन का विभाग है। अब इधर से ज्ञान के अंदर आप ये देखिए पूरे, तो अब इतना तो आपका सब टोटली केवल ज्ञानावरणीय सबसे बंद हो गया। अब रहा कितना है? सिर्फ आपके पास ये 2%। अब ये है मति ज्ञान और ये है श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान मतलब किस काम के लिए आएगा? ये मति ज्ञान सिर्फ आपकी मेमोरी के लिए, और ये श्रुत ज्ञान इट इज फॉर योर इंटेलेक्चुअल, बुद्धि का ज्ञान। मति ज्ञान के अंदर मेमोरी में आपको याददाश्त है, सब कुछ स्टोरेज करके रखना है। जो हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, वो सब याद रखने का काम मति ज्ञान का है। वो मेमोरी में स्टोरेज करके रख लेगा, लेकिन अब आपको उसमें से बाहर निकाल करके प्रवृत्ति तो करनी है, तो किससे करेगा? पांचों इंद्रियों से। अब पांचों इंद्रियों से आपका जो है मति ज्ञान, मेमोरी का चलता रहेगा। जितना सुनोगे वो भी आकर के यहाँ स्टोरेज होगा, जितना देखोगे वो भी आपके यहाँ पर आकर के स्टोरेज होगा। अब ऐसी स्थिति में जो स्टोरेज जितना हो रहा है, लेकिन इधर आप ये मति ज्ञानावरणीय कर्म। अब इतने मति ज्ञानावरणीय कर्म से हमने हमारा ही मेमोरी का ज्ञान दबा करके कम कर दिया। अब ये परसेंटेज और खुला परसेंटेज सबके कितने अलग अलग हैं?
अगर किसी का ये 60% है अंदर से, तो आपने बाहर 40% खुला। अब किसी का 70% है, किसी का 80% है, किसी का बिल्कुल उल्टा है। और जब आपका मति ज्ञाना वर्ण्य कर्म 80% 90% 100% जब पूरा कवर हो जाएगा, देन द पर्सन विल बिकम टोटली डम्ब एंड डीप हो जाएगा, मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा। अब उसके पास कोई मेमोरी नहीं रहेगी। छोटा बच्चा खुद ही पेशाब करेगा, उसमें ही खेलेगा, तो कोई पता नहीं चलेगा। अब हर माँ बाप का कर्तव्य क्या है कि जैसा जैसा बाहर से ला करके उसकी मेमोरी में रोज नया नया कुछ ना कुछ अंदर फीडिंग करते रहो। जो ला करके बाहर डालेंगे वो उसकी पांचों इंद्रियों से ही एब्जॉर्ब करेगा, ग्रहण करेगा। अब आपने घर के एटमोस्फियर को कैसा बनाया उस पर आधार है। बच्चा तो छोटा बच्चा आपके घर में, अब माँ बाप लड़ाई झगड़े में गाली गलौज के अपशब्द बोलेंगे तो बच्चे की मेमोरी में वो भी आकर के सेट हो जाएगा, याददाश्त में। और जो एक बार मेमोरी में सेट हो गया तो फिर वो डिलीट होना इट इज वेरी डिफिकल्ट। अब आपने खाली इधर से पढ़ा लिखा ही मेमोरी में लाया है ऐसा नहीं है, ये यहाँ पर आपका जो है मोहनीय कर्म है। अब मोहनीय कर्म की कसाय मोहनीय की प्रकृतियां हैं। अब ये भी आपने जो भी है किसी के साथ का कैसा भी क्लेश कसा, ये भी सब आकर के यहीं पर रहने वाला है। स्टोरेज कहाँ है? आपके पूरे घर के अंदर जो भी है वो लाके फ्रिज में रखो। दूध लाया फ्रिज में डाल दें, साग सब्जी लाया फ्रिज में डाल दें, फ्रूट लाया फ्रिज में डाल दें। अब फ्रिज आपका क्या हो गया? स्टोरेज हो गया। अलमारी आपकी क्या है? नई साड़ी लाई, दागिना लाया, कबाट में रखा। यहाँ जो भी है वो सब लाके आपको एक ही डिपार्टमेंट है मेमोरी का, मति ज्ञान का, सब भरते हो। अब इसमें से आप थोड़ा सा एनालिसिस करो, ज्ञान के परसेंटेज कितने हैं और इसके राग द्वेष के और क्लेश कसाय के परसेंटेज कितने हैं। आज भी लोग नहीं भूलते हैं। आप महिलाओं में चले जाइए, देखिए समझे कि हमारा लगन था तेरे 30 वर्ष पहला सास हुआ हो कि तो ये दिवसे मैंने आवू बोलाया था, ये दिवसे मैंने आवू संभाला था, अभी बात कर। अब वो शादी हो गई, 30 वर्ष हो गए, अब वो भूल नहीं रहे, दिमाग में से निकल नहीं रहा है। अब वो वापिस बार बार घूटेंगे पुरानी बात को फिर लेकर, बार बार घूटते जाओ उसका परसेंटेज फिर वापिस अंदर बढ़ता जाएगा। ये कर्म प्रकृति आपने बांधी। अब यहाँ से मेमोरी में से फिर याद किया, फिर वापिस आपने उसको नया बढ़ाया। अब कितने प्रमाण में आप उसको बार बार क्लेश कसाय को घूटते जाओगे करते जाओगे, ये कब तक चलता रहेगा, कहाँ तक चलेगा ऐसा? लेकिन अब करना क्या है सर? भूल नहीं पाते हैं। भूलने के लिए क्या करने का? ये जो यहाँ पर सेटिंग है उसको डिलीट करो अंदर से। कंप्यूटर में तो बहुत इजी है, एक बटन दबाया डिलीट हो गया। अब इसका क्या करेंगे, अंदर से कैसे करना? सासू मरी गया, छता है 10 वर्ष थे गया तो पुनः जी 10 वर्ष थे, 30-40 वर्ष पहला नहीं जूनी बात भुलाती ना थी। बोलने वाले दुनिया में से चले भी गए, लेकिन अब वो अंदर की राग द्वेष की गांठ जो पड़ी है वो पड़ी है यहाँ पर, बनी है यहाँ पर, लेकिन स्टोरेज उसका मेमोरी में बार बार आता रहे। नियम क्या है? ज्ञान के बिना मोहनीय कर्म पंगु है। मानस पासे बुद्धि इंद्रियों होशियार गणी होवा छताय, बन्ने पगे बेचारो जे पोलियो थयो है ने पांगलो होए तो शू करे बोलो। देखाय छे के आग लागेली छे पण पग नथी, तो चाले कई रीते, जाए कई रीते, बचे कई रीते? सबसे बड़ा प्रश्न उसके लिए ये आ रहा है।
मोहनीय कर्म राजद्वेष वाला क्लेश कसाय वाला, इसको एक्टिवेट होते रहना है प्रति समय, प्रति सेकंड, प्रति मोमेंट जो है उसको आना है। अगर उसको ज्ञान का सहयोग नहीं मिले तो फिर वो चुपचाप पड़ा रहेगा। अब समस्या ये है कि प्रतिक्षण उदय में आना है, तो ये प्रतिक्षण आपके ज्ञान को खींच के ले रहा है। अब ज्ञान के, ज्ञान को खींच के लेगा तभी तो बोलेगा, तभी तो व्यवहार करेगा। पांचों इंद्रियों का काम भी तो करना है। एक कज बात तमें धीरे थी बोलो, एक कज बात जोर थी बोलो, एमा पन परसेंटेज कसाय ना बदी गया। लिश्या बढ़ेगी, कसाय बढ़ेंगे तो ही आप बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। ये प्रवृत्ति जीवों के साथ जुड़ी हुई है, बढ़ी हुई है। अब सब जीवों के, सबकी बात करिए। ये चार्ट महावीर बता रहे हैं, कोई मनुष्य के लिए है ऐसा नहीं है। पशु पक्षी, देवी देवता, नरक के नारकी, सबके लिए। अब इसके अंदर दो डिवीजन कर दो, आप अंदर देखोगे। अब ये जो अंदर पड़ी है आपने, ये तो ये नीचे की पास्ट मेमोरी हो गई, ये प्रेजेंट है। एक जन्म के आपके पास है, लेकिन पिछले जन्म के अंदर दबे हुए पड़े हैं। अब वो हमारे लिए इस समय कोई सामने नहीं आ रहे। और पूर्व जन्म के रिश्तेदार सब आप छोड़कर आए, तो वो भी कोई सामने है नहीं। अब वो विषय कहाँ, किसके साथ निकालो, अब किसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सब कोई नहीं। लेकिन आपकी पास्ट मेमोरी में पड़े हुए हैं। कब कल उदय में आएंगे, तब जाकर के वो फिर अंदर से जगेंगे। 27वें अंतिम जन्म में महावीर दीक्षा लेकर के अब जंगलों में कौशिक ध्यान की साधना में चले गए। लेकिन 18वें भव की रानी, वो आज सामने वहां व्यंतरी बन करके घूम रही है। अब जीव तो जाएगा अपनी गति कर्म के हिसाब से। अब वो जीव जो है वो गया है इस समय व्यंतर की जाति में, भूत प्रेत डाकन शाकन जिसको कहते हैं। और महावीर आज अंतिम भव में, 27वें भव में अब भगवान बनने की दिशा में अपनी साधना करते करते आगे। अब महावीर इधर कौशिक ध्यान में खड़े हैं और वो व्यंतरी आ गई। अब 18वें भव के बाद आज महावीर 27वें भव में आए। कितने, 9 जन्मों का अंतर है महावीर के 9। तो वो भी 18वें भव में त्रिपृष्ठ वासुदेव की रानी थी। अब वो वहां से मर कर निकलते निकलते उसके कितने भव हुए, 20वें, 30वें, 10वें, 5वें, 50वें। छोटे छोटे भव करोगे तो कितने होंगे, और बड़े बड़े भव करोगे तो कितने होंगे। लेकिन इतने जन्मों के बाद भी जैसे उसने आकर के महावीर को देखा कि उसके अंदर की पास्ट मेमोरी ओपन हो गई, उसको उतना ही गुस्सा आ गया। इधर देखिए पार्श्वनाथ भगवान दीक्षा लेकर के कौशिक में खड़े हैं। पहले जन्म का बड़ा भाई कमर जो था, वो आज 10वें भव में वो मेघमाली व्यंतर बनकर भूत प्रेत में घूम रहा है, भटक। अब वो वहां पर पार्श्वनाथ को खड़े खड़े कौशिक ध्यान में देखता है। अब उसकी पास्ट मेमोरी ओपन हुई और उसके दिमाग में भूत आया कि नहीं, आज आज बस अवे हमने इनने मारी ना। अब ये तो ध्यान में मेडिटेशन में स्थिर हो गए, ये कोई रिएक्शन करेंगे नहीं, ये कुछ नहीं करने वाले हैं। अब मेरे को आजादी मिल गई है, मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ, ये बात। अब ऐसी स्थिति के अंदर है ही व्यंतर जाति का है, मेघमाली व्यंतर है, भूत प्रेत के अंदर उन लोगों के पास वैक्रिय शक्ति तो प्रबल है, और उसने अपना मायावी रूप खड़ा कर दिया। अब मायावी रूप खड़ा करके बादल बिखुर के बारिश करके और फिर उनके नाक पानी, मुंह में पानी चला जाए। जहाँ खड़े हैं वो नीचे, थोड़ा नीचे का खड्डे का भाव है,
और इधर उधर सब पहाड़ियां हैं, चारों तरफ से जितना पानी बरसाएगा वो सब इकट्ठा होगा। वैक्रिय शक्ति वालों के लिए ये सारा पॉसिबल है, बहुत इजीली पॉसिबल। अब इतना सब कुछ करके जब वो मारने जा रहा है, क्यों कर रहा है? वो पास्ट मेमोरी ओपन है, पुराने क्लेश कसा है, जल्दी याद आए। अब इतनी सी जगह के अंदर इसी में आपका भक्तामर जो याद किया है वो पढ़ा है, पंच प्रतिक्रमण याद किया है वो पढ़ा है, क्या क्या याद करके रखा है वो पढ़ा है। अब व्याख्यान सुनते हो, व्याख्यान कोई आपको याद तो रखना नहीं है, व्याख्यान कहाँ याद रखना है? कुछ याद नहीं रखना है, ना कोई होमवर्क करना है, ना कोई पढ़ना है, ना कोई आगे पीछे का, ना कोई महाराज पूछने वाले हैं, आवो तो प्रभाव ना तैयार है, बस आपको क्या करना है। इसलिए आप कभी व्याख्यान के ऊपर कभी भी गौर से समझकर विद दैट कॉन्सेंट्रेशन सिंसियरली सीरियसली पढ़ना लिखना, फिर वापस होमवर्क करना, कॉपी लाके, कुछ लोग भागशाली लाते हैं वो थैली ऐसे ही जाके लटकाएंगे, थैली वापस ऐसे ही लाएंगे, अहीं आव से तेरे खोली दे, ना आवे तो शू महाराज शू बोलवाना, शू हमें कहीं आदरी लागे छे, रोज कोई अटेंडेंस छे कहीं, महाराज ने शू खबर पड़े मैं आया क्या ना आया कितना दिवस आया, तो क्या फर्क पड़ता है। कॉपी ला के खोल देंगे, जो महाराज बोलेंगे वो सुन लेंगे, जो ट्राई करेंगे लिख लेंगे, घर जाके आपने खिड़की पर लटका दी तो आपके मेमोरी में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हमको व्याख्यान ज्ञान के लिए सुनना है, हमारा ज्ञान बढ़ना चाहिए, हमको कुछ सीखना चाहिए, इसमें से हमको कुछ समझना चाहिए। हम घर जाके बच्चों को समझाएंगे, मैं घर जाके मेरे पति को सुनाऊंगी समझाऊंगी, कुछ तो कहूंगी साहब। अब कुछ भी ऐसा है वो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कहीं नहीं, कहीं इंप्रेशन नहीं। पति हुए रात ना घरे आवशे, जमाड़ते वक्त हमने जमाड़ता जसो इतने समाज दिन घर नहीं दुखिया पर नहीं बात हो से करी ले। अब ये कहीं हमने कहीं खाता खाता कहीं व्याख्यान हमला, अब ये भागशाली आ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि लिखो तो एक दिन भी नहीं लिखे, नहीं लिखेंगे, नहीं लाना है। ये हमारा एक ग्रुप है, वहाँ पर एक ग्रुप बैठा है, समझेंगे तो पहला तीसरा ऐसा क्या लगेगा। अब कोई वेग माजिया तो आरम्भ होगा वाले, अब किसी को कोई लेना देना है कि नहीं है, ये माजी थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो आते हैं, नहीं आते इनकी, और आएंगे तो अभी थोड़ी देर में ऐसे ही सोने लगे। अब ये ऐसे करने से हमारे को हमको ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो। कथरावर्ती हमारी व्याख्यान हम ले रहे, नो डिसिप्लिन एट ऑल। वो पीछे माजी बैठे, उनको तो सामायिक पाले की भागना है, घड़ियाल सामने रखिए, 48वीं मिनट पर काटा आया नहीं, फटाफट रवाना से 48 मिनट से उनको मतलब है। कई लोगों को खाली हमारे रोज की एक सामायिक है उतनी बस उससे मतलब है, और ये बरसों हो रहे पारस में जी, हिसाब करो 25 साल का 30 साल का प्रभावना का हिसाब करो, कितने रुपए हुए, इतने रुपए में एक बेटे को आप जो है कितना पढ़ा सकते। लेकिन ये व्याख्यान ज्ञान के लिए होता है, ज्ञान बढ़ना ही चाहिए, सीखना ही चाहिए, समझना ही चाहिए। इतने ऊंचे आगम के तत्व क्यों नहीं सुने हम, क्यों नहीं सीखे हम, क्यों नहीं समझे हम? वो रस ही नहीं है, रुचि नहीं है, अंदर से जो इच्छा होनी चाहिए वो नहीं है। और कभी हम अपने आप की चेकिंग करते ही नहीं है। बेचारे साध्वी जी महाराज ने मेहनत करके कल्प सूत्र का प्रश्न पत्र बना के दिया, कागज लेके गए घर पर, अब या तो वो चने वाले के पास जाएगा, बेलपुरी के वाले के पास जाएगा, इंटरेस्ट ही नहीं। आगम है, आगम शास्त्र है, कितना है, अब बस छपावे दीदा हो बे हो, और मैं तो बहुत जल जाना इंटरेस्ट नहीं है। ये परिस्थिति है और हमने ये बना दी है, हमारे ट्रस्टी उस मेंटालिटी के बोलो साहब आचार्य महाराज तो चौमासु नक्की थी गये आती साल, बहुत मोटा आचार्य महाराज आ, चलो अत्यारथी बधा प्रभावना लखो, हलो कोने केटली प्रभावना, रोज दी प्रभावना, प्रतिक्रमण चलो रोज की केटली प्रभावना, चलो लिखो प्रभावना, बच्चे स्कूल जाते उनको प्रभावना मिलती है, आपके बेटे स्कूल जाते वहां प्रभावना देते हैं, और यहाँ पाठशाला में आकर के 10 रुपए की प्रभावना तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं,
आप आए बच्चे बैठे 10 मिनट बैठे, लो 10 रुपया लेके आए बैठे, 5 मिनट के अंदर 10 रुपया लेके, अब उसकी मेमोरी क्या होगी, कैसे होगा कैसे। अब इस मेमोरी में हमारे मतिक ज्ञान के अंदर 100 में से 80% 90% तो राग द्वेष और क्लेश का साय बराबर। किसके साथ में राग द्वेष की कैसी बात है, किसके साथ में क्लेश का साय की कितनी पुरानी बात है, सब कचरा इसमें मेमोरी में पड़ा है। ये हमारा कोई डस्टबिन नहीं है, लेकिन लोगों ने लाके भरा ही ऐसा है तो क्या कर, ऐसा ही लाके भरा है, कोई डस्टबिन नहीं है। ये बहुत बड़ा कीमती है भाई साहब, मतिक ज्ञान के ऊपर तो पूरी जिंदगी चल रही है, पूरा जीवन हमारा सबका मतिक ज्ञान पर चलने वाला है। और इसमें हमने राग द्वेष और क्लेश ससाय की बातें इतनी अंदर लाके कचरा भर दी, इतना अंदर, अब क्या होगा सर, अब भक्तामर में भूल पड़ेगी, अतिचार में भूल पड़ेगी, अजय शांति में भूल पड़ेगी, लेकिन लड़ाई झगड़े की बात में भूल नहीं पड़ेगी। हर लड़ाई झगड़े की, हर क्लेश ससाय की बात में बरोबर आपको जो है अंदर से बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा, आप करते जाओगे करते जाओगे। ऐसी स्थिति के अंदर इधर बाहर की पाप प्रवृत्ति है और इधर ये कर्म की प्रकृति है, दो शब्द में अलग अलग आपने देखा, यहाँ पर ये शब्द और यहाँ पर ये शब्द है, ये एक्टिविटीज। आप वचन युग से जो बोलोगे, आपने यहाँ से जो शब्द बोल दिया, वो आपकी प्रवृत्ति में, अगर आपने इसमें छठे क्रोध के अंदर क्या बोला, 12वें कलह के अंदर क्या बोला, 13वें अव्याख्यान के अंदर किसी के ऊपर आक्षेप आरोप के अंदर कैसे शब्द बोल दिए, अब वो सब आपको ला करके यहाँ रहे, अब वो सब यहाँ जमा करके रखने पड़ेंगे। मैं आपको पूछता हूँ ध्यान से, गाली बोलने वाले को याद रहता है कि गाली सुनने वाले को याद रहता है? जागे तो बोलो, क्यों बोलने वाला भूल जाए, बोलने वाले की मेमोरी कम है और सुनने वाले की मेमोरी ज्यादा है, ये एक इंद्रिय का फंक्शन है और दूसरा कान का भी विषय है। और व्याख्यान सुनो तो याद नहीं रहे, और किसी के दो शब्द गाली गलत के सुन लो तो वो पहले याद रहे, व्याख्यान भी तो सुना जाता है ना, ये भी सुनाया जाता है, लेकिन इसमें से कुछ याद नहीं। जो बात आपके राग द्वेष और क्लेश कसाय की आ गई, उसमें आपका रस बढ़ गया, तो जिसमें रस जितना ज्यादा है वो आपके अंदर उस तरीके से स्टोरेज होगा। अब आप व्याख्यान में रस रुचि बढ़ा लोगे तो शायद इसके अंदर फर्क पड़ जाएगा, याद रहेगा, रात्रों तक तो याद रहना सही जाएगा, आप घर में जाके रात को पति को सुना सको वहां तक तो रहना चाहिए, लेकिन यहाँ से घर जाते तक भी नहीं रहे, तकलीफ भी हो गई। सुन रहे हैं मति ज्ञान का विषय, समझ रहे हैं वो श्रुत ज्ञान का, फर्क क्या है, श्रुत ज्ञान में आपको समझ शक्ति है, समझना है, मति ज्ञान में मेमोरी के अंदर स्टोरेज का, आपको व्याख्यान याद नहीं रखना है, आपको व्याख्यान के विषय समझ लेना। आप समझ लोगे अंदर आपकी बुद्धि में ओपन हो जाएगा विषय, वो कहीं पर भी डे टू डे लाइफ में जीवन के अंदर बरोबर आपके लिए उपयोग में आना चाहिए, काम में आना चाहिए। याद थोड़ी रखना है, उसमें से कुछ याद नहीं रखना। आप जब तक प्राइमरी एजुकेशन के लेवल में हो वहां तक आपको मेमोरी का उपयोग, अब आप हायर सेकेंडरी में चले गए, अब आप बिल्कुल जो है डिग्री कोर्स के अंदर चले गए, अब आपको जो है समझना है, अब हर चीज याद रख करके नहीं लिखना है, तो वो समझने का काम जो है वो यहाँ पर आपके श्रुत ज्ञान में होता है। लेकिन अब श्रुत ज्ञान भी आपका जो है ये भी ज्ञानावरणीय कर्म से आवृत तो है, ये भी ढका हुआ है, इसके कारण क्या होगा, कितना समझ में आएगा। अब एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, टीचर तो एक तरीका एक ही विषय सबको समझाएगा,
अब किसको कितना याद रहेगा, किसको कितना याद रहेगा, किसको कितना समझ में आएगा, किसको कितना समझ में नहीं आएगा, दोनों ज्ञान हमारे इस समय सबके अलग अलग, और सबके अलग अलग है तो सबको उसी प्रमाण में आएगा। बुद्धि आपकी कितनी है, बुद्धि को बढ़ाई भी जा सकती है, बुद्धि को घटाई भी जा सकती है, मेमोरी को बढ़ाई भी जा सकती है, मेमोरी को घटाई भी जा सकती है। कोई उम्र के लिए इसका कोई संबंध है, क्यों नहीं, उम्र के साथ। तो यहाँ पर ये कहे कि उम्र के लिए ये आपका आयुष्य कर्म अलग है। आयुष्य कर्म में आपके पास 100 बरस का काल लेकर के आए हो तो आपको चिन्ह, लेकिन मति और श्रुतक ज्ञान दोनों विषय अलग है, उसका कर्म भी अलग है, उसका विभाग भी अलग है। कोई जरूरी नहीं है कि आप बूढ़े हो गए तो याद निर्भर शक्ति कम हो रही, नहीं, ऐसा कोई संबंध नहीं। सबसे अच्छी बात आपको अलग से समझिए, आपको मेमोरी, आपको याददाश्त, आपकी शक्ति जो है बराबर बना के रखे। आपको अपनी बुद्धि को धक्का लगे वैसा नहीं खाना चाहिए। चाय कॉफी मेमोरी को धक्का लगाती है, नींद की गोलियां मेमोरी को धक्का लगाती है, बुद्धि को धक्का लगाती है, क्रोध कसाय आपके बुद्धि को मेमोरी को धक्का लगाती है। और आप ये जीवन के अंदर प्रैक्टिकल देखना कहाँ रखा हुआ है, भूल जाओ। डेली रूटीन की जाते हैं, चश्मा कहाँ रखा है, चाबी कहाँ रखी है, मोबाइल कहाँ रखा है। आज बम्बई के अंदर प्रतिदिन के 2-4 करोड़ के मोबाइल तो लोग भूल रहे हैं, किसी का बस में तो किसी का ट्रेन में तो किसी का कहाँ गए वहाँ, लोग भूलते जा रहे हैं। रोज का प्रतिदिन का हिसाब, अब है बम्बई 2,40,00,000 की आबादी का शहर है, दुनिया के कई देशों से बड़ा आपका शहर है। दुनिया के कई देश जो है जिनकी पॉपुलेशन 2-2.5 करोड़ की नहीं, और यहाँ एक शहर की पॉपुलेशन, लेकिन मेमोरी तो सबकी अपने अपने पास, याददाश्त अपनी अपनी है, क्यों भूलते जा रहे हैं। आप नींद की गोली लोगे, आप समझ लो धीरे धीरे मेमोरी को धक्का लगता जाए। साइकिक ट्रीटमेंट, मेंटल ट्रीटमेंट के अंदर डॉक्टरों के पास सबसे पहले नींद की गोली का ही हथियार है, वो ज्यादा से ज्यादा इसी का उपयोग करेंगे। आज के जमाने में डॉक्टरों ने फिक्स कर लिया है कि हर बीमारी का मूल कारण आपका टेंशन है, स्ट्रेस एंड टेंशन, ये आपके बीमारी का, ये डॉक्टरों ने बात फिक्स कर दी, बैठा दी, तो उसके लिए ट्रैंक्विलाइजर्स देना ही देना है, तो न कि आपकी नींद जो है बढ़ेगी और आपकी मेमोरी घटेगी, धक्का लगेगा, आपका डलनेस बनी रहेगी, समझे, मेमोरी शार्प नहीं होगी। कई नुकसान तो हम अपने आप कर रहे हैं, रात को सोते समय चाय पीना ये नुकसान, भोजन करने के बाद चाय पीना, ना ना बेसनू छे ना एकाष्टू छे, ले पहला बेसता चाय ने पाछा उठता परीता, लेकिन आप क्या कर रहे हो, कढ़ी ने भात खाना, खिचड़ी खादी, कढ़ी खिचड़ी ने ऊपर फरी माची चाय, लेकिन अब वो आपने अपनी मेमोरी खराब कर दी है, मेमोरी में लाकर उल्टा सुल्टा भर दिया है। एकाष्टू में बार से पहला तो चाय तो पीनी पड़े, पैसे 500 होती छले थोड़ी भी पियो तो हम ही ठीक रहे। अब वो कर रहे हैं यहाँ पर बेले का पिया पारना कर रहे हैं, एक उपवास का पारना कर रहे हैं, और यहाँ पर ये रिवाज आपने डाल दिया, और उनको बेचारे को समझ ही नहीं है, कुछ भी लेना देना, ऐसी स्थिति बन जाती है। आप अपने हाथ से नुकसान कर रहे हैं। आप इसी तरह से मेमोरी सर्वे ऑफ मेमोरी का, इंडिया का सर्वे रिपोर्ट देखिए, 100 साल पहले की बात देखो और आज की बात, 100 साल पहले इतनी मेमोरी अच्छी थी कि दूध के अंदर सौंफ और काली मिर्च और इलायची डाल करके पीते थे तो मेमोरी सतेज बनती थी, बुद्धि शार्प बनती थी, और आज पहले ही चाय के अंदर जो है चाय का मसाला डाल के पी रहे हैं, तो समझ लो डबल नुकसान तो वही हो गया। सामान्य है, बहुत छोटी सी चीज़ है,
सौंफ हमारे घर में है, कोई बाहर से लानी नहीं है, सौंफ सामान्य चीज, क्या फर्क पड़ रहा है आपको? एक आधी चम्मच, एक चम्मच सौंफ ले लो, थोड़ी सी उसके अंदर जो है दो से चार दाने इलायची के डाल दो, दो दाने सिर्फ काली मिर्च के डाल दो, बहुत बढ़िया अच्छी तरह से। लेकिन माँ बाप गलती इतनी करते हैं, खाली शक्कर शक्कर हर बात में, शक्कर मौसम्बी का रस निकालेंगे शक्कर डालो, संतरे का रस निकाला शक्कर डालो, डाढ़िम का रस निकाला शक्कर डालो, अब क्या कर रहे हो गलत? सब बात में शक्कर ही शक्कर। शक्कर मेमोरी नहीं बढ़ाती है, शक्कर से याददाश्त कभी नहीं बढ़ती है। एंड विच इज डायरेक्टली फ्रूट, फ्रूट के अंदर उसका अंदर ओरिजिनल नेचर है, प्राकृतिक गुण जो है वो फ्रूट के अंदर साथ में नेचुरली जो है मौसमी के अंदर खटास आनी चाहिए, नेचुरली संतरा के अंदर खटास जरूरी है, वो खटास विटामिन सी का काम कर रही है। आपने गलती करके शक्कर डाला, कदे संखेश्वर जाओ तो आंवले के अंदर शक्कर डाल के देंगे, पहले आंवले को बॉईल करेंगे, उसका खट्टा रस सब निकाल करके फेंक देंगे और शक्कर डाल के देंगे, और मलाड़ते हेटोने आया तो डबल कीमत में बेचेंगे, नुकसान किया हुआ, खराब किया हुआ, बिगाड़ा हुआ डबल कीमत में बेचना, ये आज के जमाने की बिजनेस पॉलिसी है। आप आंवला क्यों खाते हो? इट इज द बेस्ट रेजुवेनेटिव, उसके अंदर कंटेंट्स ऑफ विटामिन जो है सी के, वो नींबू से 10 गुने ज्यादा है। शायद नींबू की खटास नुकसान कर सकेगी, लेकिन आंवले की खटास 10 गुना फायदा करेगी। पर बैरोने की खटास भावे सा, आंबोलिया ने अमचोर नी खटास भावे, आंबली नी खटास भावे, और वो जो है खटास खा के आप अपने घुटनों की बीमारी खड़ी करेंगे, रूमेटिज्म और जॉइंट्स की बीमारी बढ़ाएंगे। सबके तरीके अलग है, आंवला चूल्हे पर चढ़ना नहीं चाहिए, नींबू चूल्हे पर चढ़ना नहीं चाहिए, विटामिन सी का नुकसान कब कैसे होता है और कब वो अंदर प्रिजर्व रह सकता है, इतनी समझ तो होनी चाहिए। ये आपकी समझ के हिसाब से काम करना है, तो कैसे आपको जो है विटामिन सी आपकी मेमोरी में हेल्पर है, ख्याल है कि विटामिन सी भी आपकी मेमोरी के अंदर बिल्कुल सहयोगी बन रहा है साथ, लेकिन अब ये समझ ही नहीं है, और फिर विटामिन सी का उपयोग गलत तरीके से करो तो नुकसान, गलत तरीके से करो तो नुकसान हो जाएगा। यहाँ पर जो कुछ चलना है आपको पूरा जीवन मेमोरी पर चलाना, पूरा जीवन भर आपको मेमोरी पर चलाना। अब मेमोरी हमारी ज्यादा होनी चाहिए 70-80%, लेकिन वो हर उम्र में परसेंटेज बदलती है। जब तक आप 10-20 बरस के हो वहां तक मेमोरी आपकी 80% है, बुद्धि आपकी 60% 50% का, लेकिन जब आप 30-40-50 पर पहुंच गए हो, अब आपका श्रुतक ज्ञान जो है वो आपका 70-80% होना चाहिए। अब मेमोरी 50-60% हो जाए तो गाड़ी चलेगी, और दोनों का लेवल सरी का बन जाए तो और अच्छा है, और दोनों का लेवल हाई बन जाए तो और ज़्यादा बेटर। मेमोरी भी 80% है, समझ भी आपको 80% है, तो पूछना ही क्या था, बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन अब दोनों प्रमाण में अच्छे हो और दर्शनावरणीय कर्म से नींद आ जाए तो भाग्यशाली, होशियार से होशियार व्यक्ति भी जो है वो नींद के अंदर अपना डबल नुकसान कर। व्याख्यान बहुत अच्छे हैं, बहुत समझ के है, नहीं बहुत अच्छे समझ, बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा है, लेकिन यहाँ आके सो जाए, अब क्या करें? ऐसी स्थिति के अंदर ये जो कर्म आपके अंदर सत्ता में पड़े हुए हैं, अब ये आपने किससे बांधे हैं साहब? अब 18 प्रकार के पाप प्रवृत्ति करके बांधे, वो तो अंदर आकर के कर्म की प्रकृति के रूप में एक 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 अंदर स्टोरेज पड़े रहेंगे। जीवन का स्तर अगर आपको ऊपर लाना है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, तो आपको कम से कम
कसाय की प्रवृत्ति कम किए बिना विकल्प ही नहीं है। राग द्वेष क्लेश कसाय कम नहीं करोगे तो आपका स्टैंडर्ड कभी ऊंचा नहीं आएगा। कसाय आप नहीं घटाओगे तो कल आपके जबान पर भाषा पर अपशब्द आएंगे। अभी हमारा उपयोग बनना चाहिए। उपयोग मतलब क्या है कि मुझे किसी भी हालत में भाषा खराब नहीं करनी है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए मेरे मुंह से अपशब्द मुझे नहीं बोलना है। ये आपको बिल्कुल संकल्पबद्ध रखना चाहिए। एक अक्षर भी मुंह से खराब नहीं निकलना चाहिए। अब संसार है, क्लेश कसाय के निमित्त तो आएंगे ही आएंगे। संसार में बैठे हैं तो क्लेश कसाय के निमित्त आएंगे। अब कोई कुछ करे, सामने वाला कुछ करे, मुझे नहीं करना। मुझे पहले मेरी भाषा को कंट्रोल में रखना है, मेरे शब्द मुझे बिगाड़ने नहीं है। नहीं तो आप जिंदगी में कभी भी नहीं बच सकोगे। आप ये मत सोचिए कि इसने मुझे दो शब्द कहे तो मैं चार सुनाऊं। सबकी मानसिकता ऐसी होती है, इसने मुझे दो गाली दी तो मैं चार गाली दूं, इसने मेरे को दो बात कही तो मैं चार सुनाऊं। ये गलती मत करो। वो दो गुने कर्म बांध रहा है तो आप चार गुने बांधोगे कि नहीं? अब वो आराधक है कि नहीं और आप विराधक हो कि आराधक हो, अपना अपना निर्णय करो। आराधक का मतलब क्या? कर्म बंद से बचने के भाव परिणाम वाला साधक आराधक कहलाता है। मुझे कर्म बंधेगा, मुझे इस बात में कर्म बंद होगा, मुझे इस बात में कर्म बंद होगा, मुझे नहीं बांधने कर्म, मुझे कर्म नहीं बांधना है, ये संकल्प अगर वो लेकर के चलेगा वो आराधक जीव कहलाएगा, साधक। अब देखिए महावीर 30 बरस तक गृहस्थी में गृहस्थाश्रम में थे, अपनी गृहस्थी का जीवन जी रहे थे, लेकिन अब 30 बरस बाद महावीर दीक्षा लेकर के साधना काल में, ये 12.5 बरस ये महावीर की साधना का समय है। दीक्षा का जीवन है मतलब क्या? हर व्यक्ति का, दीक्षार्थी का, प्रत्येक दीक्षा वाले का जीवन साधना काल है। हम कोई सिद्धि लेकर के नहीं आए हैं, लेकिन सिद्धि प्राप्त करने की दिशा में साधना के अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको साधना का काल मतलब क्या है? ये जो हमारी आदत पड़ी हुई है इधर, अब इस प्रवृत्ति को यहाँ पर जिसने निवृत्ति शब्द लगा दिया सा, अब ये जिसने शब्द प्रयोग अपना संकल्प कर दिया, अब ये इसका जो है साधना काल, साधना का जीवन। अब पाप की प्रवृत्ति में नहीं है हम, अब पाप की निवृत्ति वाले जीवन में, उसको साधु कहते हैं। पाप कर रहे थे, हो रहे थे, संसार था, लेकिन अब हम संसार में नहीं, संसार छोड़ करके निकले हुए अलग हैं। अब हमारा जीवन पाप की निवृत्ति का जीवन। निवृत्ति का मतलब हमने पाप करने की आदत छोड़ दी है। अब जानबूझकर तो पाप नहीं करना, समझते हुए तो पाप नहीं करना है, चाहते हुए पाप नहीं करना है, पाप के निमित्त मिल गए तो भी पाप नहीं करना है, पाप करने की अनुकूलता आ गई तो भी पाप नहीं करना है, पाप करने का मौका अच्छा मिल गया है तो भी पाप नहीं करना है। इतने संकल्प जिसने अपने अंदर दृढ़ कर लिया है वो साधक। जब तक आप प्रवृत्ति में हो वहां तक आपने सब रास्ते खुले रखे, कोई भी पाप करो, कभी भी पाप करो, कैसा भी पाप करो, कितना भी पाप करो, बस करो मतलब करो। क्या हुआ है कि ये सब बाहर के पाप और उठ जाएंगे, लेकिन स्वभाव के पाप तो अंदर स्टोर में है, स्वभाव के पाप। अब वो जो जो किए थे हमने, जिस जिस तरीके से छठे क्रोध के रूप में था वो भी आपके अंदर तैयार है, साथ में मान के माया के रूप में, नौ में लोभ के रूप में है, दस में राग के रूप में, ग्यारह में द्वेष के रूप में और बारह में कलह के रूप में, इतने सब ये पाप
ये जो भी हम करते जा रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, अब ये आके आपके आपस में यहाँ पर ये विभाग जो बन गया है, अब इतना विभाग हमने जिस तरह से जैसा बना करके रखा है, तो ये हमारे जीवन के अंदर स्वभावगत पाप हो गए। अब ये स्वभावगत पाप होने से बाहर पाप भी है, अंदर कर्म भी है। इसी की कर्म प्रकृति है, इसी के बाहर पाप का व्यवहार है। ये करो फिर कर्म बांधो, फिर पाप करो फिर कर्म बांधो, फिर कर्म उदय में आएगा फिर पाप करो, फिर कर्म बांधो फिर पाप। अब ये चक्कर चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। आज जाके हम सिमंदर स्वामी को पूछे, भगवान ये कब से चल रहा है? सिमंदर स्वामी कहेंगे अनंता काल थे चाले, एक इंद्रिय में थे तब भी हम करते थे राग द्वेष कसाय, दो इंद्रिय में आए तब भी राग द्वेष कसाय करते थे, पंच इंद्रिय में आए तो भी कर रहे हैं, देवी देवता में गए तो भी करते थे, मनुष्य में आ गए तो भी कर रहे हैं। अब ये रुकने वाला नहीं है। अब आपको जो है इंद्रियां कम मिले कि ज्यादा मिले, योग आपको कम मिले कि ज्यादा मिले, राग द्वेष में क्या फर्क पड़ेगा? राग द्वेष में क्या? ये आत्मा के साथ बंधे हुए हैं, इंद्रियां आत्मा के बाहर की है, योग आपके बाहर के मन वचन काया के योग उद्गल के बने हुए पिंड अलग है, सब अलग अलग हिसाब। राग द्वेष अंदर कम नहीं होगा, क्लेश कसाय आपके अंदर के कम नहीं होगा। अब मनुष्य का जन्म, भगवान का धर्म, वितरागी का धर्म, भगवान कैसे हैं जिसने अपने राग द्वेष क्लेश कसाय मोहनीय कर्म आदि संपूर्ण क्षय करके भगवान बने? ऐसे भगवान दुनिया में बाहर नहीं है। दुनिया में बाहर किसी को वितरागी भगवान नहीं मिले। अब लोगों के अंदर अक्कल नहीं है, सब सामान्य लोगों के अंदर वो बुद्धि नहीं है। जो रास्ते पर एक भिखारी के रूप में था, लोगों को गाली गलौज दे रहा था, एक भिखारी खाने को नहीं मिल रहा था, ऐसी उसकी दीन दशा थी, दयनीय दशा थी। और उसके बाद लोग आज उसको साईं बाबा के रूप में मूर्ति बनाकर बैठकर पूज रहे हैं। क्या सोचा? इतनी भी अक्ल नहीं है लोगों के अंदर। साईं बाबा जो है, अब वो है कौन? कौन था कौन वो कैसा आदमी था? कोई समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं देखना है। ऐसी उसकी दशा थी, ऐसी हालत थी, वो रस्ते का भिखारी जैसा, और लोगों को गाली गलौज बोल करके इतना खराब बोलता। और आज लोग जो है साईं बाबा की मूर्ति बैठा के बोले, दूसरों की बात नहीं है, दया बाहर दया नहीं आती, दया तो आपके घरों में आती है कि जैनों के घर में जब साईं बाबा की मूर्ति हो तब दया। इतने ऊंचे महावीर मिले, इतने वितरागी तीर्थंकर मिले, आपको तो समझ ही नहीं है, आप कदर नहीं कर सकते हो, तो ला करके साईं बाबा भी बैठा दिया। अब मम्मी के बाप से कोई करम है, सोरे लावे ने भी मिली है तो मैं कोई करम बाबा कोई नहीं, मैं पांचवा भगवान री आरती भी करो ने साईं बाबा रे बेटो साईं बाबा ने पूजे रियो ने बाबा जो है पार्श्वनाथ ने हमें वाली लिए फिर क्वार्टर कैरी लिए जो को वहाँ फिर के मारे गणपति से जाए तो क्या हालो नहीं भाई भरोसा। घर का मंदिर गोखला जो है क्या 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 भर देते। साईं बाबा भी आपके लिए भगवान, गणपति भी भगवान है, ये क्या बना के रखा है? नेत्रावर्ती व्याख्यान होमलेन प्रभाव न लेन करे जाएंगे, क्या क्या कमाल किया। कटेगी बासा अक्कल कटेगी आपको, ट्रस्टी लोगों को तो सबसे बड़ा दुख होना चाहिए जब किसी के घर में जाकर के ये देखो तो आपको लगना चाहिए 25 बरस अतरा आचार्य महाराज ने लावे चौमासा कराया ने लाखों रुपया रो खर्चो की दो और पाकती घर में देखो तो हाल पजूषण में 9 उपवास कर लिए और फिर बाद में गणपति ला के बैठा दिए ने गणपति बापा मोरिया पुर्चा वर्षी लव कर आज 9 उपवास रो पारणो की दो ने बीजे तीजे तक गणपति बाप से वो पूरा हुआ हमें गणपति हमें कोई हमें पजूषण पूरा हुआ हमें कोई हमें गणपति है हमें काले परमे पति फिर कोई आवे अजय फिर देवी आवा नहीं एकम
क्या करेंगे, कोई समझ में नहीं आता। अजय तो बैरो रास्ता मैं नाचवा दिया, एकम से रास्ते पर नाचने जाएंगे, न बासी हुई नहीं अट्ठाई हुई पारनो वो सर्वतो भद्र तप करो 300 रुपए की प्रभाव न वेगी बात वह हमेशा हमें रास्ता माते नाशवा जाए। मैं बड़े रास्ता माते नाशवारी प्रभाव न फिर अलग मली भगवान क्या करा रहे हो आप, कितने बड़े बड़े आचार्यों को लाएंगे, कितने आचार्यों को ला करके आप कितनी प्रभावना करेंगे, ये इसका परिणाम ये है, ये इसका परिणाम ऐसा आता है। मैं अभी अभी की बात कर, मेरे को भी ले गए तो मैं किसी घर में गया तो कह भाई पार्श्वनाथ भगवान रे बाजू में साई बाबा बने बाप से कोई करो। अब वो अंधश्रद्धा इतनी है कि वो मूर्ति मैं ले जाकर क्या करूं, क्या डालूं, कैसे करूं, क्या नहीं, बाप से कोई पो वही तो आते नहीं, कोई पो वही तो आते। अब ये तो आपकी समझ है, जिन वाणी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सहायक साधन, जिन वाणी श्रवण का सबसे बड़ा उद्देश्य हम मिथ्यात्व को टाल के सम्यक दर्शन पाए इसके लिए होता है, और यहाँ जिन वाणी को सिर्फ प्रभावना का हेतु बना करके आपने क्या कर दिया। कहीं पर भी जाओ तो देखो तो एक ही प्रतिक्रमण में ज्योतों के प्रभाव, पाठशाला में ज्योतों के प्रभाव, व्याख्यान में ज्योतों के प्रभाव, सबके अंदर आपने ऐसा जोड़ दिया है और उसका परिणाम क्या आ रहा है भगवान जाने, परिणाम क्या आ रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर जब आत्मा अपने अंदर पहले ही कोई पुण्य पाप शुभ अशुभ कर्म बंद प्रकृति उदय, फिर जीवन के अंदर क्या परिस्थिति आएगी ये कौन सोचेगा। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि कर्म का ज्ञान ये जीवंत विद्या है, बिल्कुल कर्म का ज्ञान जीवंत विद्या के रूप में सबको होना अनिवार्य। अब पाठशाला में कोई आप कर्म ग्रंथ पढ़ाओ गया हम बटे बाप से नमो थनम ने लोगस ने जय वीरा नहीं आवे जब मैं कोई कर्म ग्रंथ, अरे आप बड़ों की पाठशाला चालू कर दो, भले वो गाथा नहीं करेंगे तो कम से कम अर्थ समझेंगे, कोई तो रास्ता लो, कोई रास्ता लो। ये साध्वी जी महाराज का उपकार है कि वो यहाँ पर एक झाड़ू निकालने वाला नेपाली है उसको सिखा रहे, उसको बहुत आनंद आ गया, बड़ा खुश हो गया कि देखो मेरे को नवकार आ गया, इच्छामि क्षमासु आ गया, दर्शनम देव देव तो मंदिर में जाके भगवान के सामने। अगर एक साध्वी जी महाराज आकर के चार पांच महिलाएं बड़ी महिलाएं आकर के उनके पास जी विचार नव तत्व कर्म ग्रंथ कुछ तो कर, कोई तो रास्ता नहीं हो, पांच जन बस ज्यादा नहीं, पांच जन हर साल के पांच पांच कहो तो बाप साहब 10 वर्ष में तो 50 है। आपके मलाड की एक कन्या कल बेंगलोर जाएगी तो वहां बोलेंगे हाँ सब मलाड बने नहीं, मलाड में अभ्यास करके बेंगलोर के चिकपेट की पाठशाला की कन्या जो है वो मुंबई में जहां जहां पर भी आई है तो गौरव लेते थे हाँ साहब कहाँ पड़ी हुई है, सर्टिफिकेट कहाँ का है कि चिकपेट की पाठशाला की लड़की है। आज भी मुंबई से लोग लेने जाते थे चिकपेट, हमें तो बटे हालत खराब है क्या बोलना, हर एक घर में हर माँ बाप को बेटा बड़ा हुआ है तो जाएंगे तो सही कहा, अब कन्या तो बाहर से ही लानी पड़ेगी, लेकिन जहाँ वहाँ से लाओगे गार्डन में से यार बस स्टॉप में से और रस्ते पर से लाओगे तो फिर वो अच्छा है, कोई बहुत अच्छी पाठशाला के रिजल्ट को देखकर हाँ साहब ये कहाँ पड़ी हुई है ये कहाँ पड़ी हुई है, कुछ तो आपको होना चाहिए, जीवन ऐसे ही चला जाएगा। अब पाप की प्रवृत्ति होने से फिर वो संस्कार में आती है, आदतों में आती है। अरे देख दो साहब ये सब आदतें हमारी मति ज्ञान में स्टोर है, मेमोरी में अंदर स्टोर है, मति ज्ञान के अंदर आदतों का सबका संग्रह, एक डिपार्टमेंट अंदर विभाग। महिलाओं को कोई मेहनत करनी नहीं है, पढ़ो के बाद से चाह नहीं पियो तो रुपए नहीं मिली, नहीं बाप से चाह तो दर में बेचिन हो गए। महिलाओं को कोई मेहनत का काम नहीं, कोई शारीरिक परिश्रम नहीं, कुछ भी नहीं,
लेकिन वो मानसिक आदत से लाचार। अब आदतों की लाचारी उनके लिए बड़ी परेशानी बन गई है, चाय कॉफी नहीं छोड़ती। अब दूसरी तरफ चाय कॉफी का अंतराय कर्म बन गया बाप से माँ, तो चाय भर के उपवास मिलनी वह। अब ये परिस्थितियां आ रही है सामने से, हर किसी को देखिए तो ये मानसिक स्थिति बनती जा रही है। अब वो मानसिक प्रवृत्ति अगर पाप की करता रहे और करते 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 जो है वो उसके जीवन के साथ में जुड़ जाए तो क्या करेंगे आप? अब पाप कराता कौन है, पाप करते क्यों है, जीवन में पाप बढ़ता क्यों है, अब बढ़ने का होने का कारण क्या है आखिर? तो कैसा संजोग उसको मिलता है? जैसे बारिश आई तो आपका पौधा उगने ही वाला है, अच्छी जमीन है और उसको जो है बारिश में पानी मिल रहा है, वातावरण ही वैसा बढ़ रहा है, तो हर बारिश में पौधे बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो ये अंदर से आपको देखना है कि पाप की प्रवृत्ति आपको कराने में अब सहायक कारण कौन है। एक तो सबसे पहला निमित्त है कर्म का उदय होना, अंदर से पहले कर्म का उदय ये प्रबल कारण है। दूसरा अब बाहरी निमित्त जो आपको मिल रहा है, बाहर के निमित्त आपके कौन से मिल रहे हैं, पाप प्रवृत्ति के मिल रहे हैं तो समझ लो जल्दी होगा। अब बाहरी निमित्त के अंदर ऐसे संजोग आपको मिले, ऐसे जो है व्यवस्था आपको मिली है, अब आपके संबंधी हो चाहे वो मित्र वर्ग हो चाहे कोई हो तो वो आपको साथ। अब तीसरी तरफ जो है आपकी आवश्यकता अनिवार्यता आपने किसके साथ जोड़ी है, कैसी कैसी आवश्यकताएं आपने जोड़ी है, एक कारण आपका अंदर इच्छाओं का बढ़ना जो है ये भी आपको पाप जल्दी करा दे। इच्छा नहीं टल रही है साहब, अब उसका क्या करना? एक बात में आपके लिए संस्कार जो है ये भी आपके लिए जुड़ जाएगा, इधर आपकी आदतें आपको पाप कराने की प्रवृत्ति में जोड़ देगी। अब कोई क्या करावे, कभी किस में क्या हो, इन सब निमित्तों के अंदर जो है कौन सा प्रबल निमित्त है, आप किसको घटा सकते हो, आप इच्छा को घटा सकते हो कि नहीं, आप अपनी आवश्यकताओं को घटा सकते हो, या आपने आजीविका व्यापार व्यवसाय के लिए पाप की प्रवृत्ति बढ़ा दी है, ये आपके लिए अनिवार्य हो गया है। आपने अपनी अनिवार्यता जोड़ी है क्या? अब इसके साथ में नहीं नहीं ये तो अनिवार्य है, इतना तो करना ही करना है, क्या जोड़ा है आप? अब इसमें से कौन सा घटाएंगे आप, कितना कौन सा घटाना है वो देखिए। अब ऐसी स्थिति के अंदर अगर आपके संजोग कैसे मिले, अब हर माँ बाप का काम है कि बेटे को स्कूल तो भेजना है लेकिन बाकी के बाहर के गलत लड़कों के संबंध से बचाना है। अब आपको संबंधी कौन मिले हैं, संबंधी के साथ में आपके अलग से संजोग भी आपके कैसे बने हैं? एक कन्या आपके घर में है वहां तक उसको कोई पाप नहीं करना पड़ता था, अब वो शादी करके पराए घर में जाएगी वहां क्या करे? अब सामने के घर का संजोग कैसे है, वातावरण कैसा है, पूरे सामने घर में सबका स्वभाव कैसा है, उनके आचार विचार संस्कार आहार व्यवहार कैसा है? हमारे घर में हमारी बेटी ने आज दिन तक आलू प्याज कभी नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, नहीं खाया, लेकिन अब सामने घर में गए वहां पर क्या है? ऐसी स्थितियों के अंदर ये समस्याएं सामने खड़ी होती रहेगी। एक 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 में से, इन सब में से आप कौन सा घटा सकते हो, कौन सा घटा सकते हो? पूर्व कर्म का उदय, इधर सामने संबंधी वैसे मिले, विजय चोर के घर में ये अभग्न सेन पुत्र आकर के जन्म लेता है, अब बड़ा होता है सा। अब माँ बाप ने शादियाँ तो करा दी सा, आठ कन्याओं के साथ शादी हो गई और इधर जो है पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु होना अच्छे के लिए कि खराब के लिए? पिता ही चोर है,
अब आप एक संबंध से सोच रहे हो, पिता ही बड़ा चोर है साहब, उनका उनकी मृत्यु होना अच्छे के लिए कि खराब है। अब दोनों निमित्त आप समझ लो, अब बाप की दृष्टि से संबंध देखने जाओ तो, और पिता बाप ही चोर है और चोरी का साम्राज्य बनाया है, आजीवी का ही व्यापार व्यवसाय चोरी के ऊपर ही रखा है। घर तो सबको चलाना है, घर सबको चलाना है, घर सबका चलना है, लेकिन घर आपका बाप की प्रवृत्ति पर आश्रित ना हो जाए, चोरी पर जो है बाप की प्रवृत्ति पर आश्रित ना हो जाए। बाप की प्रवृत्ति पर हो जाएगा तो अनिवार्य बन जाएगा, कंपल्सरी हो जाएगा। एक शेर को, चीते को, सिंह को, लायन को, उसको तो जब भी भूख लगे, जैसे नींद में से उठे और भूख लगे तो क्या करना। आपकी पुण्य अच्छी है कि घर में टेबल के ऊपर 10 डब्बे भर के तैयार तो है, आप उठे जब आपको भूख लगे तो चलते फिरते घर में खाओ, डब्बे भरे पड़े। अब उसके लिए क्या है, तीन इंच गति के अंदर न घर है, न परिवार है, न खाने पीने का तैयार है। आखिर दुख के कारण भी तो होने तो चाहिए कि नहीं, दुख भुगतने के लिए निमित्त भी तो बनने चाहिए। किस निमित्त से दुखी होने वाले हो, कोई आहार से दुखी होगा, कोई परिवार से दुखी होगा, कोई घर बार से दुखी होगा, कोई किस कारण दुखी होगा, कोई किस कारण। एकलू पापज उदय में आवे ने दुखी करे, एमने अंतराय कर्म पण उदय में आवे तो जीवोने 10 गणो वधारे दुखी करे। अंतराय कर्म का भी उदय बहुत लंबा है, लंबे काल का बांधा हुआ है। कई भिखारियों को पूछो कितने बरस से भीख मांग रहे हो, बोले भाई जिंदगी से जन्मे तब से भीख मांग रहे। भीख मांगे कोई करोड़पति बन गया, भीख मांग करके कोई श्रीमंत बन गया है, कब तक चलेगा सर। चोरी करके कोई लंबे काल तक सुखी रह सकता है, क्योंकि कर्म तो बंधेगा, उदय में आएगा, कर्म का हिसाब है, अंतराय कर्म के अंदर उसको दुख दारिद्र्य गरीबी तो आनी ही आनी निश्चित आनी। अब ऐसी स्थिति के अंदर उसे ये संबंध मालूम नहीं। आप व्याख्यान सुन रहे हो, जिन वाणी के तत्वों को समझो तो पाप और कर्म का संबंध समझ लो और कर्म के उदय के विपाक को समझ। विपाक मतलब क्या है, किस कर्म को अपनी तरह से कैसा फल देना है, कब कौन सा कर्म उदय में आएगा तब कैसा फल देगा। अंतराय कर्म उदय में आएगा तब आपको दुख दारिद्र्य देगा ही देगा, और पाप की प्रवृत्ति में आपको वृषावाद, अदत्ता, दान, चोरी आदि की पाप प्रवृत्ति की है तो अंतराय कर्म बंधेगा ही बंधेगा। अब ये बंधा हुआ अंतराय कर्म सामने उदय में आएगा तो आपको दारिद्र्य देगा ही देगा, कोई सुखी हो नहीं सकते हैं साहब। जिसका अंतराय कर्म परसेंटेज में जितना घटा हुआ कम होगा वो सुखी होगा, जिसका अंतराय कर्म परसेंटेज में जितना ज्यादा होगा वो दुखी होगा। अब सबका अपना अपना अंतराय कर्म, किसका कितना है, किसका कितना है, कम किसका है, ज्यादा कितना है, कम किसका है, अब कौन समझेगा, किसको पता किसको चलता है, समझता कौन है। ऐसी स्थिति के अंदर अब आपके किन संजोगों को आप रोक सकते हो। अब बाप मरने के बाद ये अभग्न सेन चोरी कम करेगा कि चोरी रोकेगा कि चोरी बढ़ाएगा, अपना व्यापार है ना, चोरी को ही व्यापार बनाए। अब ये बाप के जाने के बाद बढ़ाएगा कि घटाएगा, और खुद की शादी 8 कन्याओं से हुई है साहब, अब वो बढ़ाएगा कि घटाएगा, अब कैसे घटाएगा, अब वो कम कैसे करेगा। जितना आपने संसार बढ़ाया है, जितना परिवार बढ़ाया है, आपको उसके सामने आजी का व्यापार उतना बढ़ाना ही पड़ेगा, दूसरा विकल्प ही नहीं है आपके पास। संसार चलता ही बाप की प्रवृत्ति, बाप की प्रवृत्तियों का संसार इसी तरह से चलता रहेगा, अब रुकने का ना, बहुत मुश्किल है। सबसे पहले महावीर कह रहे हैं धर्म में प्रवेश कब होगा, पाप प्रवृत्ति घटेगी तो ही होगा। पाप करने, कम करने की इच्छा,
पाप का प्रमाण घटाने की इच्छा, पाप को कम करने की मानसिकता आपकी जो है वही आपका संसार घटाएगा, तभी आपका धर्म में प्रवेश होगा, नहीं तो नहीं। आप दर्शन पूजा करके राजी हो जाओ कि हमने बहुत बड़ा धर्म कर लिया, नहीं सा दर्शन पूजा करना बहुत बड़ा धर्म नहीं है, पाप की प्रवृत्ति को घटाना बड़ा धर्म है, पाप का प्रमाण कम करना ये बड़ा धर्म, पहले इसका लक्ष्य। दर्शन पूजा तो भगवान का उपकार है, परमात्मा के उपकार से जिन शासन मिला है इसलिए भगवान की भक्ति करना हमारा प्रथम कर्तव्य, लेकिन इसी को आप बड़ा धर्म समझ लो ये गलती मत। ये तो हम हमारी तरफ से परमात्मा के उपकार के स्मरण के रूप में फरी फरी ने भगवान नु शासन मले, भविष्य में पाछू आ प्रभु नु धर्म मलतू रहे, ये संस्कार माटे जी। कल हमारे हाथ में से ये बाजी चली ना जाए, ये हमको समझ करके चलना है मुख्य हेतु। कैसे घटाएगा अभग्न सेन, अब बड़ा हो रहा है, शादी हो गई तो कितना युवान तो युवक तो हुआ तब शादी हुई, वो अब अपना पाप संसार बढ़ाएगा, अब उसको समझना चाहिए कि 8 कन्या के साथ शादी हुई, अब इसका संसार चलेगा तो इसको संतान होंगे तब, और इधर ये पाप प्रवृत्ति कल बढ़ाएगा तो इसको पाप में पकड़े जाएगा तो सजा होगी कि नहीं होगी, फिर पीछे 8 का परिवार उसका क्या होगा, सबका क्या होगा, ये सोच करके भी कोई पाप प्रमाण घटावे, पुत्र पत्नी परिवार देख करके भी कोई पाप कर्म घटावे, नहीं तो और बढ़ाते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे। लेकिन इसको कहते हैं उन्माद, उन्माद एटले शुं, उन्माद एटले शुं, पाप करवानो अंदर थी एवो उछल को समझाया कि नहीं, एने व्यसन लागी गयो, માત્ર લોકોને કે દારૂ કે તંબાકુનું જ વ્યસન હોય એવું નહીં, પાપ કરવાનું પણ એક વ્યસન છે, એક એવી વ્યસનની વૃત્તિ બનાવે, લોકોને ચાય પીધા વગર ના ચાલે, તંબાકુ ખાધા વગર ના ચાલે, દારૂ પીધા વગર ના ચાલે, એમ પાપ પ્રવૃત્તિ કર્યા વગર જો ન ચાલે તો સમજી લેવું કે આ પાપનું વ્યસન થઈ ગયું, વ્યસન આપકે બ્લડ મેં આ ગયા હૈ, અબ વો આપકે ખૂન મેં જમ ગયા હૈ, अब नहीं छूटेगा, अब नहीं छूटेगा तो फिर वो आप हमेशा के लिए करते हैं। कल उम्र हो गई लोगों की तो भी पाप कर रहे हैं सब, बड़ी उम्र में आ गए तो भी कर रहे हैं सब, करते जा रहे, अब ऐसी स्थिति के अंदर अब उनका बहुत बड़ा अनर्थ है, लेकिन अब करो तो क्या, जब आदत से लाचार है, आदत से लाचार है, इच्छा की तीव्रता है और आजीविका का व्यापार आपने अपने पेट के लिए बना दिया, चोरी को आपने आजीविका का व्यापार। मैं एक बार बिहार करके बॉम्बे सेंट्रल से तारदेव की तरफ जा रहा था तो मेरे साथ में चलने वालों ने बताया, महाराज साहब आप ब्रिज ऊपर आप 200-250 लोगों ने टोल उठे, गैंग पूरी गैंग कहते हैं कि साहब एक ज काम छे, कोई जता हुआ नहीं, चैन चैन खेची ले, कोई ना हाथ में मोबाइल हो ये खेची ले, कोई ना हाथ में कई हो, अहियाँ थी फास्ट गाड़ी हो जे जती आए फटाक देने खे, बस आ 200-250 नी गैंग है ना, एक एक जन अंदर जे छे 10 बार जेल में जई ने आवे छे तो याद करे, अब क्या कारण है भाई, अब जेल में जाना उनको कुछ नहीं लगता है, आरु छे त्या खावा तो मन से ने रोटला तो मन से, ऐसी बुद्धि बना ली है लोगों ने, ये कृष्ण लेश्या, ये कसाई की तीव्रता कितनी भारी होती है आप समझ सकते, ये अभग्न सेन, शादी 8 के साथ हुई है, बाप मर गए हैं, चोरी का व्यापार है, खाने के लिए बहुत कुछ घर में भरा पड़ा है, बाप दादा ने बाप ने चोरी करके इतना भर के रखा है कि उसको न करे तो चले जाए, आराम से पूरी जिंदगी खाए इतना घर में पड़ा है, लेकिन नहीं अब वो बाप से 10 गुनी ज्यादा करके नाम कमाना है, अब क्या हो, अब क्या होगा सोचो,
जब पाप भी एक एक्सट्रीम स्टेज पर आ जाता है तब उसका गड़ा फूटता है। अपने कहे पाप नो गड़ो भराई गयो, अब परिणाम कुछ अलग ही आए। विभाग सूत्र के दृष्टांत को हम जरूर सुन रहे, समय कम पड़ता है, बात भी सही है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ती चली जा रही है। वर्धमान तपनो पायो जेमने पण नाखो ए बात चले, हवे तो दिवसों बहु ऊंचा रहा, हजी सुधी तो कई पांच नाम पण आवे। आज तो छेल्लो दिवस ज छे, हमें तो आज थी चालू छे। चलो अब ऐसी स्थिति में तो और के पांच नाम पण कोई आया तो नहीं ने, चंद्रा 10-12 नाम आए। चलो धन्यवाद, और किसी की इच्छा हो भागशाली तो जरूर करना। वर्धमान तब का पाया डालेंगे तो जिंदगी में कभी न कभी तो सौली होगी सब, लेकिन शुरुआत तो फिर भी अच्छी होनी चाहिए। साध्वी जी महाराज को धन्यवाद, चलो इनके हिसाब से भी थोड़ा बहुत संख्या बढ़ जाए, पुरुषों के लिए तो बहुत मुश्किल है। हो गया आपका धर्म, चलो धर्म नाम उपवास पानार सूर्य के अवधर्म खाए ते वेम प्यारन जो प्यारन सो सागण मारिन सो सनम पानार मूर्ति सागण मूर्ति सूर्य के बन सागण।